हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि हम लिख करके अपनी बात किसी को बता सकें या बोल करके किसी को अपनी बात बता सकें, तो दोस्तों हमसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। अच्छा दोस्तों, ये गलतियां हमसे इसलिए होती हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को, ये हिंदी का जो सेंटेंस है या भारत की किसी भाषा का जो सेंटेंस है, उसमें हम हर वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। शब्दशः, अक्षरशः जिसको बोलते हैं, वर्ड फॉर वर्ड हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हमसे गलती होती है। तो क्या हर शब्द का ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए? अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक बात बता देता हूँ कि हिंदी में और अंग्रेजी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों डिफरेंस ये है कि हम लोग रहते हैं एशिया में और अंग्रेज, जिनकी भाषा अंग्रेजी है, वो या तो यूरोप या अमेरिका में रहते हैं। हमारे यहाँ साल में 8-9 महीने गर्मी पड़ती है, उनके यहाँ साल में 8-9 महीने ठंड पड़ती है। अंग्रेज हमसे हर बात में अलग है, हमसे दिखने में भी अलग होते हैं, वो लंबे चौड़े, उनका रंग भी अलग होता है, उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, उनका खाना पीना अलग है, हमारा खाना पीना अलग है। इसी प्रकार से उनका अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। इसीलिए जब वो किसी बात को कहते हैं या बताते हैं तो वो अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं, हम अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी चीज़ें मिलती भी हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें अलग भी हैं। जो मिलती हैं चीज़ें, उनमें तो कोई बात नहीं, आपका ट्रांसलेशन हर शब्द का करेंगे तो भी सही हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो किसी बात को कहने का अगर उनका तरीका एकदम अलग है, स्ट्रेस डालने का तरीका अलग है, तो तब अगर हम हर शब्द का ट्रांसलेशन करें तो हमसे गलती होगी। इसीलिए दोस्तों इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज हमसे बिल्कुल अलग है और हम उनसे बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि किसी बात को जैसे वो कहते हैं हिंदी में भी उसी तरह से उस बात को कहा जाएगा। इसीलिए हमको क्या सीखना चाहिए? हमको ये सीखना चाहिए कि ट्रांसलेशन भाव का होता है, शब्दों का नहीं। शब्दों का ट्रांसलेशन हमको तब तक सीखना चाहिए जब हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हम टेंस सीखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर हमको उस टेंस में सेंटेंस बनाना आ गया, उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है वो ये है कि हमको किसी पर्टिकुलर टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में या सिंपल पास्ट में, जब हमको सेंटेंस बनाना आ गया, तब हमको ये सीखना चाहिए कि उस टेंस में अंग्रेज एक बात को जैसे कहता है, हम हिंदी में क्या उसी बात को वैसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यही हमको सीखना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉमन ट्रांसलेशन मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स जो हम अक्सर ट्रांसलेशन करते वक्त करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको बहुत ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और हर बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। हो सके तो आपको कुछ नोट्स भी बना लेने चाहिए। दोस्तों जो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है, ये अच्छी बात है, ये हम अक्सर बोलते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों मान लेते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं हर वर्ड का को ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। तो मैं शायद कोई जो सीख रहा है अभी वो ऐसे बनाए इसको, इट इज़ ए गुड थिंग, इट इज़ अ गुड मैटर, इट इज़ अ गुड इशू, ऐसे करके बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग, ऐसे करके हम बोल भी लेते हैं, बहुत लोगों को सुना है मैंने, ओ दिस इज़ अ गुड थिंग। कैसे बोलना है दोस्तों इसको, इस बात को कैसे कहा जाएगा? यहाँ पर ये जो वर्ड है बात, आपको एक बात बताता हूँ मैं, जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको दिखे तो इसमें जो वर्ड है बात, उसका ट्रांसलेशन कभी नहीं होगा। तो इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहा जाता है दोस्तों? इट इज़ गुड, एकदम सिंपल है, इट इज़ गुड। अंग्रेज क्या बोल रहा है? ये अच्छा है। यानी हम जिस बात को कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, अंग्रेज उस बात को कह रहा है ये अच्छा है, इट इज़ गुड। तो दोस्तों यही सीखना इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छी बात है, इट इज़ गुड, ये अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नॉट गुड। इट की जगह पर आप दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम होती है, इट और दिस की, सिर्फ यूज़ का थोड़ा सा फर्क होता है, वो तो आप ग्रामर पढ़ के सीख लेंगे। तो दोस्तों इट इज़ गुड, इट इज़ नॉट गुड, ये आप बात हम समझ गए। उसके बाद दोस्तों ये सेंटेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसके बारे में मैंने अपने पहले कुछ वीडियोज़ में भी बताया है आपको। तो ये सेंटेंस है दोस्तों, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अब हिंदी में हम बोलते हैं मैं परीक्षा दे रहा हूँ, मैं इम्तहान दे रहा हूँ, ऐसा हिंदी में बोलने का तरीका है। क्या अंग्रेज लोग भी ऐसा ही बोलते हैं? नहीं, अंग्रेज बोलते हैं इस बात को, मैं परीक्षा ले रहा हूँ, यानी मेरी परीक्षा हो रही है, मैं परीक्षा ले रहा हूँ। अब हो सकता है आपका कॉमन सेंस इस बात को स्वीकार ना करे कि नहीं, परीक्षा तो देते हैं, लेंगे कैसे? लेते तो टीचर लोग हैं परीक्षा, टीचर परीक्षा लेते हैं, स्टूडेंट परीक्षा देते हैं। दोस्तों ऐसा हिंदी में तरीका है बोलने का, अंग्रेज लोग ऐसा नहीं बोलते, यही तो हमको सीखना है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अंग्रेज इस बात को बोलता है मैं परीक्षा ले रहा हूं तो मैं एग्जाम दे रहा हूं, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम टेकिंग एन एग्जाम। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम तो जो है वो सीख सकते हैं। अंग्रेज लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, अब ये तो किसी को नहीं मालूम, वो तो उनकी मानसिकता है वैसी,
या उनका वैसा तरीका है अपने अपने आप को एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का। अंग्रेज हमसे पूछ सकता है कि आप कैसे बोल रहे हो कि मैं परीक्षा दे रहा हूँ, परीक्षा तो ली जाती है। तो आप समझ रहे हैं ना क्या डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को समझते हुए हमको सही ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं एग्जाम दे रहा हूँ, आई एम टेकिंग एन एग्जाम। अच्छा, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, स्टूडेंट्स ने, कि सर अगर कोई टीचर बोले कि मैं एग्जाम ले रहा हूँ, अभी इन बच्चों का एग्जाम ले रहा हूँ, तो क्या होगा। तो दोस्तों दूसरा अगला सेंटेंस वही है, मैं एग्जाम ले रहा हूँ। अब ये कोई टीचर बोल सकते हैं मैं एग्जाम ले रहा हूँ। अब इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, आपको बहुत हैरानी होगी सुनकर के। तो ये है दोस्तों, आई एम गिविंग एन एग्जाम, आई एम गिविंग एन एग्जाम। अब हिंदी में क्या मीनिंग निकला, मैं एग्जाम दे रहा हूँ। अपने यहाँ क्या बोलेंगे, अरे मैं तो एग्जाम, एग्जाम तो स्टूडेंट देता है, टीचर तो एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में दोस्तों ऐसे ही बोला जाएगा, यानी हम जिसको बोल रहे एग्जाम लेना, अंग्रेज उसको बोल रहा है एग्जाम देना, और हम जिसको बोल रहे एग्जाम देना, अंग्रेज उसको बोलते एग्जाम लेना, एकदम उल्टा है। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, तो मुझे गिव नहीं टेक इस्तेमाल करना है। सर एग्जाम ले रहे हैं तो टेक नहीं, सर गिव का इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसे याद हो जाएगा, आपको उल्टा यूज करना है आपको। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो आई एम गिविंग एन एग्जाम नहीं, अगर ये बहुत ही अटपटा लग रहा है आपको, तो एक दूसरा वर्ड भी लिखा है मैंने, कंडक्टिंग। कंडक्ट का मतलब होता है संचालन करना, एक परीक्षा का संचालन करना, एक मीटिंग का संचालन करना, किसी भी चीज का संचालन करना कंडक्ट का मीनिंग है। कंडक्ट एक वर्ब है, नाउन भी है कंडक्ट, बट यहाँ पर वर्ब के रूप में मैंने इस्तेमाल किया है, उसका मीनिंग संचालन करना। तो आप बोलेंगे आई एम कंडक्टिंग एन एग्जाम, मैं एक एग्जाम का संचालन कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। तो आप समझ गए, मैं परीक्षा, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, आई एम टेकिंग एन एग्जाम, और मैं एग्जाम ले रहा हूँ, आई एम गिविंग एन एग्जाम या आई एम कंडक्टिंग एन एग्जाम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये एक अलग ही प्रकार का सेंटेंस है। अब जैसे कोई कह रहा है, अरे मैंने ही तो किया है, किसी भी काम के लिए कोई बता रहा है, मैंने ही तो किया है इसको, और किसने किया है, वो दूसरा कोई, उसको क्यों क्रेडिट दे रहे हो उस बात का, मैंने ही तो किया है। मैंने ही जो वर्ड है दोस्तों, ये एम्फेसिस, जोर देने के लिए हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दोस्तों, हम लोग जो है इंडियन लोग, हम लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आप अगर देखें तो हमारी जो भाषा है उसमें जोर देने की परंपरा ज़्यादा है, या जोर देने का तरीका जो है, हैबिट जो हमारी, वो ज़्यादा है हमारी। मैंने ही तो किया है, वो कल ही तो आया था, ऐसे करके हम बोलते हैं। अंग्रेज लोग ऐसे नहीं बोलते, अंग्रेज लोगों को इस मामले में आप थोड़ा कोल्ड, ठंडा कह सकते हैं। तो अंग्रेज को जब जोर देना होता है तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बहुत खास बात, गूढ़ बात बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगा। हम किसी शब्द का सहारा लेके जोर देते हैं। अंग्रेज वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज का उतार और चढ़ाव का सहारा लेके बात पर जोर देता है, एम्फेसिस देता है। आप समझे, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे ये सेंटेंस है, मैंने ही तो किया है, ये ही जो है इसका, ये हमने यूज किया एम्फेसिस के लिए, जोर डालने के लिए। अंग्रेज इस बात को कैसे कहेगा, अंग्रेज सीधे तरीके से कहेगा आई हैव डन इट। मैं, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा आई हैव डन इट का, मैंने इस काम को किया है। तो बात तो बनी नहीं, हमको तो जोर भी डालना है ना, मैंने ही तो किया है। तो दोस्तों ये जो है वर्ड है ही, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं होता, नहीं होता। अच्छा, हम क्या समझते हैं, हम लोग इंडियन हैं, कि भाई ही है तो कोई ना कोई वर्ड तो होना चाहिए। तो हो सकता है हम यहां पर ऐसे कर दें, ओनली ओनली आई हैव डन इट, इस प्रकार कुछ बोल सकते हैं, आई हैव जस्ट, कुछ भी यूज कर सकते हैं, हम कर लेते हैं यूज अपने मन से। हम लोगों ने इंग्लिश में बहुत सी चीजें ऐड कर दी हैं। तो दोस्तों वैसे नहीं बोलना है। क्या सीखना है हमको, किस बात को अंग्रेजी में कैसे कहा जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अंग्रेज अपनी आवाज के उतार चढ़ाव को इस्तेमाल करते हैं जोर डालने के लिए, ज्यादा, बहुत कम ही वो किसी एक्स्ट्रा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आई को आप देखेंगे मैंने अंडरलाइन किया, यानी अंग्रेज कैसे बोलेगा, वहीं पर आई पर जोर देके बोलेगा आई हैव डन इट। और उसने क्या किया, अपनी भाव भंगिमा से बताया, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताया कि एम्फेसिस में डाल रहा हूं इस पर, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। आप समझ गए, तो ये नॉर्मल नहीं है आई हैव डन इट, मैंने इस काम को किया, आई हैव डन, ऐसे नहीं है आई हैव डन इट। उसने आवाज का उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज से ये बताया कि वो जोर देके बोल रहा है कि मैंने ही इस काम को किया है। तो आप समझ गए, ये जो वर्ड है ही, इसका कोई भी ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं होगा, अंग्रेज अपनी भाव भंगिमा से बताएगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि और अगर एग्जाम में ऐसे लिखना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ऐसे ही लिखना है,
कुछ नहीं हो सकता इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब ये जो आपकी एग्जाम जो दिया आपने, आपकी जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनके ऊपर है कि उनको कितना इन बातों की समझ है, वो कैसे चेक करते हैं कॉपी, उसमें कोई क्या कर सकता है। अगले सेंटेंस पे आते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस दोस्तों, मैं कल ही तो उससे मिला हूँ, फिर आ गया जोर देने वाला। अबे यार मैं कल ही तो उससे मिला हूँ, मैंने तो उससे सारी बात की है, आज क्या हो गया, ऐसा करके हम बोलते हैं कल ही तो मिला हूँ। अब हिंदी में कैसे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस बात को, आई हैव जस्ट मेट हिम यस्टरडे, ऐसे करके हम बोल लेते ना, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो हिंदी में ये सेंटेंस है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, मैं कल ही तो उससे मिला हूँ, मैंने इस काम को किया है, मैं खाना खा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं हम। इंग्लिश में भी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, आई हैव जस्ट, अब जस्ट हमने लगा दिया ही के लिए शायद, आई हैव जस्ट मेट हिम यस्टरडे, या आई हैव ओनली मेट हिम यस्टरडे, हम कुछ भी लगा सकते हैं। हम लोग इंडिया में इंग्लिश में कुछ भी फेरबदल अपनी मर्जी से कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो कल है ये बीता हुआ कल है, बीते हुए कल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यस्टरडे बोलते हैं। यस्टरडे एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसमें भी एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, बीते हुए समय को बताने वाला एडवर्ब है। इंग्लिश ग्रामर में एक रूल है कि अगर आप एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में बनेगा, यानी आप इसको इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट में बना ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये कैसे बनेगा, ये सिंपल पास्ट बनेगा, ये रहा इसका ट्रांसलेशन, आई मेट हिम यस्टरडे। अब एकदम सिंपल है, आई मेट हिम यस्टरडे, यानी हिंदी में आप कैसे भी बोल लें, मैं कल ही तो उससे मिला हूं, या सीधे सीधे इसका इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, मैं उससे कल मिला, हिंदी में आपको जैसे ही बोलना हो, इंग्लिश में आप सिर्फ इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आई मेट हिम यस्टरडे। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, आप देख रहे हैं यस्टरडे को मैंने अंडरलाइन किया, ये एक एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम भूतकाल को बताने वाला एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज भी होता है, जैसे लास्ट नाइट, तो आपको सेंटेंस पास्ट टेंस बनाना पड़ता। तब क्या करेंगे, अगर आपके मन में ये अभी सवाल आ रहा हो कि ये जो है ही स्ट्रेस कैसे दिखाएंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया आवाज के उतार और चढ़ाव से अंग्रेजी में स्ट्रेस को दिखा सकते हैं आप, तो आप बोलेंगे आई मेट हिम यस्टरडे, इस प्रकार से बोल के आप ये दिखा सकते हैं कि आप एम्फेसिस डाल रहे हैं, इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि मैं कल ही तो मिला हूँ। तो आप समझ गए दोस्तों कैसे ट्रांसलेशन में गलतियाँ होती है, क्या हमको गलतियाँ नहीं करनी है। अब दोस्तों आते हैं हम अगले सेंटेंस पे, ये सेंटेंस दोस्तों, कौन कौन जाना चाहता है हम पूछते कई बार, हाँ भाई कौन कौन जाना चाहता है, कौन कौन हिंदी में दो बार है। अच्छा दोस्तों ये हिंदी में बोलने का तरीका है, ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज लोग भी ऐसे बोलते हो, कौन कौन, हो सकता है अंग्रेज सिर्फ एक बोलता हो कौन, और यही है, तो अंग्रेज क्या बोलेगा दोस्तों, Who wants to go? बस कौन कौन के हम क्या इस्तेमाल करते हैं, Who all, है ना, Who all, मैं आपको बता दूं, Who all non standard English है, अच्छी English नहीं है। South America में Who all colloquial form में, बोलचाल की भाषा में, जो सड़क पर बोली जाने वाली जो भाषा होती है, जो चलती हुई भाषा होती है, informal जिसको बोलते हैं, slang जिसको बोलते हैं आप, South Americans भी कुछ इस्तेमाल करते हैं Who all, बट ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है, इसको अच्छी इंग्लिश नहीं माना जा सकता, इसीलिए हु ऑल बोलना पुअर इंग्लिश है, हमको नहीं बोलना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, कौन कौन जाना चाहता है, हु वॉन्ट्स टू गो। अच्छा अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें हर शब्द का, जैसा कि हम लोगों को करने की आदत है, क्योंकि हम अंग्रेजी हमारी भाषा है नहीं, अंग्रेजी हमारे लिए विदेशी भाषा है, तो इसका मीनिंग निकलेगा कौन जाना चाहता है, फिर तो आप स्टूडेंट के मन में आएगा कि भाई सेंटेंस तो है कौन कौन जाना चाहता है। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में जिस बात को जैसे कहा जाता है, अंग्रेजी में उस बात को कैसे कहा जाता है, यही हमको सीखना है, तभी हम सही ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों चाहे हिंदी में तीन बार भी होता कौन 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 जाना चाहता है, चार बार पांच बार होता कोई अलग होता, दो ही बार है कोई फर्क नहीं पड़े, कितनी बार भी हो, इंग्लिश में एक ही बार हु लिखेंगे, हु वॉन्ट्स टू गो, और बात खत्म हो गई। इसके बाद दोस्तों आते हैं अगले सेंटेंस पे। अब ये सेंटेंस दोस्तों मैं समझ रहा हूँ, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, अब मैं समझ रहा हूँ रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूँ आई एम ईटिंग, मैं समझ रहा हूँ आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो हम बना देंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंड जो वर्ब है वो एक स्टेटिक वर्ब है, वर्ब ऑफ स्टेट, अवस्था को बताने वाला वर्ब है, अवस्था को बताने वाले वर्ब्स का इस्तेमाल जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म में होता ही नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ का ट्रांसलेशन बनेगा मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलना पूरा का पूरा गलत हो जाएगा।
आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, आई एम नोइंग इट, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, हर बात समझ रहा हूँ, ऐसे हम बोलते हैं हिंदी में, बोल लेते हैं हम, आई एम नोइंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम लविंग यू, ये सब नहीं बोल सकते। ये सारे वर्ब्स जो हैं वो स्टेट बताने वाले, अवस्था बताने वाले वर्ब्स हैं, इनका कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल ही नहीं होता, कुछ खास परिस्थितियों को छोड़ के। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ को सीधा सीधा बोलना है, आई अंडरस्टैंड। अच्छा दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टेटिक वर्ब्स क्या होते हैं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर। उस प्लेलिस्ट में आपको स्टेटिक वर्ब्स के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा, तो वो देख करके बहुत चीज़ें आपकी समझ आ जाएंगी। अच्छा दोस्तों, हम आते हैं अगले सेंटेंस पर। ये सेंटेंस, मैं उससे जीत गया। मान लेते हैं हम किसी के साथ कोई मैच खेल रहे थे या कोई भी कॉम्पिटिशन था किसी के साथ हमारा, और आप उसमें जीत गए, तो आप कह रहे हैं मैं उससे जीत गया। इस बात को कैसे कहेंगे इंग्लिश में? तो इस बात को कहने के दो तरीके हैं। इसमें जो ज़्यादातर अंग्रेज बोलते हैं वो इस बात को, वो ऐसे बोलते हैं मैंने उसे हरा दिया। हम बोलते हैं मैं उससे जीत गया, लेकिन अंग्रेज लोग ज़्यादा जो बोलते हैं वो बोलते हैं मैंने उसे हरा दिया। तो इसका तो सीधा सीधा ट्रांसलेशन है आई बीट हिम। बीट मतलब पिटाई करना भी होता है और हराना भी होता है। बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीट ही होता है, बी टू। तो हम बोलेंगे मैंने उसे हरा दिया, आई बीट हिम, ये एकदम सेफ है बनाना। फिर भी अगर आपको जीतना वाला वर्ड यूज करना ही है, तो डब्ल्यू आई एन, विन का मतलब होता है जीतना। ये पास्ट टेंस में लिखा गया है, सिंपल पास्ट में, यानी आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इस बात को ऐसे बोल सकते हैं आई वन हिम। आई वन हिम का मतलब है दोस्तों मैं उससे जीत गया। अब ये अनकॉमन है, अपने यहाँ नहीं बोलते ऐसा, अंग्रेज लोग भी कम ही बोलते हैं इसको, अंग्रेज लोग ये इस्तेमाल करते ज़्यादा, आई बीट हिम। लेकिन फिर भी ये चूंकि हमारे यहाँ नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि इस बात को कैसे इंग्लिश में बोले, मैं उससे जीत गया, आई वन हिम अगर वो लड़का है, अगर वो लड़की होती आई वन हर, इस प्रकार से बोलेंगे। और आई वन हिम, अब विन का मतलब है जीत, इसको बहुत सारे टर्म्स में, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भों में इस्तेमाल किया जा सकता है, काफ़ी वाइड स्प्रेड यूज़ है विन का। इसीलिए आई बीट हिम बोलना एकदम सेफ है और स्टैंडर्ड इंग्लिश है, और सभी लोगों की समझ में भी आएगा अच्छे से और एक्सेप्टेबल भी है। तो इसीलिए मैं उससे जीत गया को आई बीट हिम बोलना एकदम ही सही है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे ट्रांसलेशन, हिंदी में कैसे बोलते किसी बात को, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते, ये सीखना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें। तब आपके मन में सवाल आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हिंदी में जिस बात को बोल रहे हैं अंग्रेज लोग, उस बात को कैसे बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका एक तरीका है, एक तो किताबें पढ़ने से मालूम पड़ता है, इंग्लिश में लिखी हुई बुक्स पढ़ने से मालूम पड़ेगा, ग्रामर की बुक्स पढ़ने से मालूम पड़ेगा। और जो दूसरा आसान तरीका हुआ है, आपको इंग्लिश में सॉन्ग सुनने चाहिए, आपको इंग्लिश फिल्म्स देखनी चाहिए। उधर बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, इनफॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक कमाल की बात बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सकेगा। अच्छा दोस्तों, एक मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, इंग्लिश तो सर आपसे हम पढ़ ही रहे हैं, क्या आप हमको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस दे सकते हैं? तो दोस्तों, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, सेल्स का, कस्टमर सर्विस का ट्रेनर रहा हूँ कई सालों तक। धीरे धीरे आपको मैं मेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा मैं। तो एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूं मैं दोस्तों, उसका नाम है एक्टिवेट योर इनर लाइट, अपने अंदर के प्रकाश को जागृत करें। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक डालूंगा, तो आप वहाँ से जाके उस मेरे जो नया चैनल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको वीडियोस मिलते रहें। नोटिफिकेशंस को ऑन कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया है। उस चैनल पर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, हर चीज़ के ऊपर वीडियोस उसमें मैं पोस्ट करने वाला हूं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।